हेलो फ्रेंड्स, मेरे गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट वंडरिंग जू के बारे में। देखिए पीछे से इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत हैं और आगे से भी बहुत सुंदर हैं। किस तरह से देखिए फैल गया है चारों तरफ, देख सकते हैं आप। तो आज इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। काफ़ी हार्डी प्लांट है, बहुत इजी क्या कहते हैं जो है लग जाता है ये कटिंग के माध्यम से। तो मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स इसको ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कहीं से भी ले लें आप, कोई भी दो नोड छोड़ दीजिए, दो नोड छोड़कर इसकी कटिंग ले लीजिए और वहाँ आप इसे लगा दें। कटिंग से आसानी से ग्रो जाएगा, इतना काट लीजिए और काट के पत्तियाँ निकाल के लगा दीजिए। बहुत इजी जो है लग जाता है ये। और फर्टिलाइज़र की यदि बात करें तो आप काउडंग कंपोस्ट डाल सकते हैं इसमें, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट का जो फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उसको आप डाल सकते हैं इसमें। और बहुत इजी ग्रो है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है लगा हुआ और बहुत जल्दी ग्रो करता है। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ कितना फैल रहा है ये, यहाँ पे भी लगा हुआ है देखिए। बहुत सुंदर दिखता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी लगा हुआ है। जहाँ जहाँ कटिंग लगा दी है वहीं वहीं जो है ये ग्रो कर रहा है। और शेड लविंग प्लांट है, तो आप अगर शेडी एरिया में लगाएंगे तो इसकी लीव्स जो है उनका कलर बहुत सुंदर दिखेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी है और ब्राइट लाइट की तो ज़रूरत पड़ती है। धूप में इसके कलर्स जो हैं वो इतने सुंदर नहीं दिखते हैं। वाटरिंग की यदि बात करें तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है इसको, एक दिन छोड़कर, एक दिन दो दिन छोड़कर, एक दिन पानी लगा दें तो भी सर्वाइव करता है प्लांट अच्छी तरह से। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट।